चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। कोई अंदरूनी ताकत सोचती है कि हम चुनावों को प्रभावित कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अब राज्य को निर्वाचित सरकार देकर आगे बढ़ाने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, पिछले कई दशकों में नहीं हुआ, वो आपने करके दिखाया। इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर्स की टीम 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। गुरुवार को इलेक्शन कमीशन के साथ रीजनल और नेशनल पार्टियों से मीटिंग हुई। पार्टियों ने जल्दी चुनाव कराने की मांग की थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। मीटिंग में सभी पार्टी नेता एकमत से बोले, राज्य में जल्द चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है जल्दी ही चुनाव कराने का प्रोसेस शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय डेडलाइन के अनुसार चुनाव कराए, अगर उन्हें लगे कि कंडीशन 1996 से बेहतर है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डालेंगे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर आशंकित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा नेता आरएस पठानिया ने कहा, हमने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव करने को कहा। भाजपा चाहती है कि राज्य में चुनाव सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के भीतर हो। कांग्रेस नेता जीएन वोंगा ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पनपना चाहिए।